हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज से अब तक हमने टाइपोग्राफी और कलर्स तक पढ़ लिया था, यहाँ तक कि हम किस तरह से कलर्स और टाइपोग्राफी को अप्लाई कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में, ठीक है ना। आज से हम इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्ट नेटिव में इमेजेस कैसे लगाते हैं। ओके, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक इमेज मेरे को चाहिए होगी जो कि मेरे पास पड़ी होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल पे जा करके। अनस्प्लैश वेबसाइट से मैं गया हूँ और इस पे जाकर के मैं डाउनलोड फ्री पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो इमेज है वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। वैसे स्मॉल साइज की भी कर सकते हैं, हम स्मॉल साइज की कर लेते हैं, वो जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगी। ये हमारे पास इमेज डाउनलोड हो गई है, इसे मैं ले जाता हूँ अपने आरएन फोल्डर में रख लेता हूँ। आरएन फोल्डर में जो कंपोनेंट है उसमें डाल देता हूँ। ये इधर इमेज आ चुकी है, इसका नाम मैं रीनेम करके इमेज कर देता हूँ। जितने भी इमेज होंगे इसी नाम फोल्डर के अंदर होंगे या कहीं भी? आप इमेज लोगे, कंपोनेंट लोगे, फॉन्ट लोगे, वो सब कंपोनेंट फोल्डर के अंदर होगा और कहीं नहीं रखना है। वैसे तो एसआरसी नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर रखे जाएंगे आपके बाकी की सारी चीजें भी जो भी होंगी। मैंने एक एक्सटेंशन भी बताया था तुम्हें याद हो तो, जिससे कि हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते थे। तुम वीडियो देखना तुम्हें पता चल जाएगी, अगर तुमने वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगी कि कौन सा एक्सटेंशन मैंने बताया था बॉयलर प्लेट के लिए। तो वो तो नहीं है, प्रेटियर कहाँ से है? प्रेटियर काय के लिए यूज होता है? तुमने यूज ही नहीं किया प्रेटियर, इसलिए तो तुम्हें पता नहीं है। अब चलो पहले जो मैं करा रहा हूँ वो देखो। जैसे कि हमें अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में इमेजेस को शो कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग कंपोनेंट आता है जिसका नाम होता है इमेज। तो उसको कैसे करते हैं अभी मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इन सबको डिलीट कर देता हूँ। RNFC फंक्शनल कंपोनेंट ले लेते हैं हम। इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है रिएक्ट का पैकेज? रिएक्ट चेक करते हैं, रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? RNFC नहीं होगा, RNF ही होगा। तो हमने RNF दे दिया, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, और ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कराने हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इमेज नाम से जो मेरा कंपोनेंट है उसे इम्पोर्ट करूंगा और उसके बाद इमेज को यहां पर यूज कर लूंगा। तो जिस तरह से तुम HTML में SRC यूज करते थे ना, उसी तरीके से यहां पर भी आपको यूज करना पड़ेगी एक सोर्स नाम से proc कह सकते हो। तो मैं यहां पर देता हूं सोर्स इज इक्वल्स टू, और फिर करली ब्रेसेस देने, और करली ब्रेसेस देने के बाद आपको लगाना एक रिक्वायर नाम से फंक्शन। रिक्वायर में डॉट लगा करके दोगे तो ये तो एक सेकंड वो दिखा रहा है तुम्हारे को, इमेज डॉट जेपीजी लगा देना। जो आपकी इमेज का नाम है, फाइल को सेव करते नाम के फोल्डर में रखा ना। क्या कंपोनेंट नाम के फोल्डर में रखा है तो पहले डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट आएगा ना, फिर उसके बाद इमेज आएगी। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट तो तब आएगा ना कि जब इंडेक्स डॉट जेएस में मैं वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं ऐप डॉट जेएस में वर्क कर रहा हूँ तो ऐप के साथ ही तो रखी हुई है इमेज। हाँ फिर ठीक। अभी ये शो क्यों नहीं हो रही है इमेज?
एक काम करते हैं, इसको कुछ हाइट और बढ़ते देते हैं, वैसे तो शो होनी चाहिए। हाँ नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं हम लोग, एक स्टाइल टैग लेते हैं, या फिर सबसे पहले इसे देते हैं स्टाइलिंग व्यू को, स्टाइल फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1, और यहां पर स्टाइल लेते हैं, इसको स्टाइल देते हैं विड्थ 200 एंड हाइट वो भी 200। सेव करते हैं, अभी भी नहीं आ रही, क्या दिक्कत है? एक काम करते हैं, हमें इसे ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि इसे एसेट्स वगैरह में रखना पड़ेगा, तभी ये नहीं फाइंड कर रहा था। अरे यार सोर्सर लग गया, सोर्स होना चाहिए, ये गलत आ रहा है यहाँ से, इसलिए ये आ गई इमेज तुम्हारे पास, सोर्स देना, सोर्सर लग गया था ठीक वो। ठीक है, आपकी उसकी विड्थ हाइट भी 200 200 आ रही है, और जो आपकी इमेज थी वो ठीक सोर्स के थ्रू आ चुकी है, क्लियर। क्लियर। एक इसमें रिसाइज मोड नाम से और होता है पैरामीटर, इसको स्टाइल को यहां लगा लेते हैं, इसको यहां दे देते हैं रिसाइज मोड, और रिसाइज मोड की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है कि कहते हैं कवर आप लगा सकते हो, कंटेन आप लगा सकते हो, तो मैं कवर दे देता हूं अभी, रिसाइज मोड यहां से नहीं देते। अरे ये रुकर फंक्शन क्या करता है, एक तरह से यूआरएल की तरह पास है क्या ये रुकर फंक्शन? अगर इमेज को उठाता है ये, या फिर किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को, बिट तो राइट आनी पड़ेगी इसके लिए। देखो कवर दे दोगे तो जो इमेज है ना वो एज अ कवर इमेज आपके इस पर सेट हो जाएगी, एक होता कंटेन, कंटेन दोगे तो जितनी इमेज, जितने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कंटेन के बारे में कि आपकी जितनी इमेज है ठीक है ना, वो आपके जो डिव लिया या फिर आप कह सकते हो व्यू लिया है, वो उतनी इमेज आ जाएगी आपके डिव और व्यू में, ठीक है ना। रीसेट मोड प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसकी मदद से हम अपनी इमेज को या तो एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक वैसे जहां तक है आप रिसाइज मोड कवर ही देना कंटेन की जगह। इसमें से विड्थ और हाइट हटा दिए ना। हाँ बिट तो राइट हटा दिया मैंने, क्लियर। इसके अलावा तुम्हारे पास एक तरीके से एक चीज और होती है कि अगर आपको, जैसे मैं यहां पर दे देता हूँ विड्थ और हाइट ही दे देते हैं, इसे हटा देते हैं, और यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन। जैसे कि अब तो मैं अपनी इमेजेस को ब्लर्ड दिखाना है, ठीक ठीक है ना, तो यहाँ पे होती है ठीक ब्लर रेडियस, जितनी ब्लर दिखानी है आपको इमेज, जैसे मेरे को 20 ब्लर दिखाने है तो आपकी इमेज ब्लर दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको एक बैकग्राउंड इमेज लेनी है, बैकग्राउंड इमेज दिखानी है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो आपको इसे डिलीट मारना है, ये हटा देना। इसके लिए एक नया कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं इमेज बैकग्राउंड, और हम यहां पर व्यू हटा देते हैं इसे,
और उसकी जगह ले लेते हैं इमेज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अब इसमें इमेज बैकग्राउंड में आप वैसे ही जैसे आपने इमेज में दिया था, सोर्स लगाओ, रिक्वायर लगाओ, और रिक्वायर लगा करके इमेज डॉट जेपी जी दे दो, ठीक है। अभी इसे सेव करो, स्टाइल विड्थ अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, स्टाइल दे रहा है, मुझे लग रहा पड़ रहा है कि एक चीज और देखूं इसमें, देख लेते हैं evaluating style dot width, हमें इसकी कुछ width भी पास करनी पड़ेगी style। अच्छा अब ये बताओ कि मैंने dimension API के थ्रू width देना कैसे सिखाया था? dimension API के थ्रू तुमने तीनों वीडियो कर ली है ना, तो बताओ डॉक्यू ऐसे था कुछ, डॉक करके था, डॉक करके क्या था, डॉक करके तो कुछ था ही नहीं उसमें, नहीं जैसे मैं उसमें दिया था ना कर्ली ब्रेसेस में पास पास किया था, वो कुछ भी कर्ली ब्रेसेस में किया हो चाहे पैरेंथेसिस में किया हो, अब मुझे ये बता दो कि कहते हैं डायमेंशन एपीआई का यूज कैसे किया था मैंने। अगर तुमने वीडियो करी है तो तुम्हें पता होगी, क्योंकि इन्हीं तीनों वीडियो में मैंने डायमेंशन एपीआई का यूज करना सिखाया था। डायमेंशन एपीआई का डॉक से लगा था मैं, डॉक क्या था, डॉक कुछ नहीं था, डॉक लगेगा ही नहीं उसमें, डॉट करके था कुछ कर्ली ब्रेसेस, डॉट डॉट तो पूरी रिएक्ट नेटिव में लगता है, उसमें लगातार 498 पिक्सल्स लिखा आया था, तुम्हें कुछ याद नहीं है और तुमने कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करी है। अब हमने इस सोर्स ले लिया, सोर्स के बाद स्टाइल ले लिया, ठीक है ना, स्टाइल में हमने विड्थ थी उसको विड्थ पास कर दी, और हाइट थी उसको हाइट पास कर दी। सेव करते हैं, ये आपकी इमेज एज अ बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको इसके ऊपर टेक्स्ट दिखाना है देन अब आप इसके अंदर टेक्स्ट ले सकते हो, और टेक्स्ट देने के बाद हेलो वर्ल्ड अगर मैंने दे दिया तो हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं किया, टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर ये दिख रहा होगा तो मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लैक्स दे देता हूँ 1, और एक काम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते हैं एंड अलाइंग आइटम्स। आपने व्यू क्यों उठा दिया है, व्यू तो पूरा लेता है ना एक तरह से, तो मैंने अभी इमेज बैकग्राउंड ले लिया ना, मैं तो चाहूंगा खाली टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, जरूरी थोड़ी ना मैं व्यू ही लूंगा, अभी मेरे को तुम्हें इमेज बैकग्राउंड में दिखाना था, तुम चाहो तो इसको व्यू के अंदर रैप करके ले सकते हो। ये आपका सेंटर में आ चुका है, यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी वैसे दिख रहा नहीं है, इसको कलर दे देते हैं स्टाइल दे करके, और कलर दे देते हैं वाइट, और इसके अलावा फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 30 पिक्सल्स, ये बड़ा हो गया काफी। अब जैसे क्या है, एक चीज देखो यहाँ पर, अब मैं स्टाइलिंग लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइलिंग मैं यहाँ लिखूं और ऑटोमेटिकली ये स्टाइल शीट में आ जाए, अच्छा ठीक है ना, स्टाइल शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन आता है वीएस कोड का, रिएक्ट नेटिव मूव स्टाइल्स, ये रिएक्ट नेटिव मूव स्टाइल्स, ये जिसका क्रिएटर है सेपियन नाम से जो है, इसको इंस्टॉल कर लो जाकर के,
ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि आपने जैसे स्टाइल लिखी इसमें ढेर सारी, ठीक है ना, अभी जैसे ये लिख देगा, ये इंस्टॉल हो जाए पहले, फिर बताता हूँ इसका यूज क्या है। अरे हो जा, कितने देर, चलो इसे मैं जब तक पॉज कर देता हूँ, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं फिर से वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें अगर अब मेरे को अगर इसे यूज करना है इधर, तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी मेरी स्टाइल है, जैसे ये वाली स्टाइल है, जैसे ये मेरी स्टाइल दे रखी है मैंने इतनी लंबी सी, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ये जो येलो वाला ब्रैकेट है ना इधर से, जी और मैं क्या करूंगा सर। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाऊंगा, तो इस तरीके से मेरे पास एक कमांड लाइन ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है ठीक ना। उसके बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, CSS मूव स्टाइल्स ऐसी करके था, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं इसे देखता हूँ यहाँ पर, ये कुछ लिखा था उसने, हाँ मूव स्टाइल्स टू स्टाइल शीट इन रिएक्ट नेटिव, ये करना है। तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना कीबोर्ड से, और मूव स्टाइल्स टू स्टाइल शीट इन रिएक्ट नेटिव, ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपकी स्टाइल शीट का क्या नाम देना है। हमारी स्टाइल शीट का नाम देना है बैक ग्राउंड इमेज, और एंटर हिट कर देना है अपने कीबोर्ड से, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन के आ जाएगा, और ये यहाँ पर इसको क्लास नेम भी दे दिया जाएगा। ये तो सही है सर, लिखनी जरूरत ही नहीं वाली, ये बस इनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। हाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक ठीक है सर। इससे आप ही को आसानी होगी। और जैसे क्या है कि अब जैसे आपने कर दिया, तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो स्टाइल शीट है यहाँ पे इम्पोर्ट होकर के नहीं आई, तो इसे इम्पोर्ट कर लो स्टाइल शीट, ठीक है। अभी फाइल को सेव करो, सेव, और देखना जो आपका चेंज है वो नहीं आया होगा उसमें भी, कहाँ गया वो, देख रहे हो हेलो वर्ल्ड है। अभी मैं हेलो रिएक्ट नेटिव लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव, तो वो भी यहाँ पर शो होगा, क्लियर। जी ये अच्छे से वर्क कर रहा। अब अगर इसे करना है तो इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट पी, मूव अगर स्टाइल्स टू इसमें रिएक्ट सर नेटिव, मूव स्टाइल टू रिएक्ट नेटिव लिखा है, इस पर एंटर कर दो, आपसे स्टाइल पूछेगा, तो टेक्स्ट स्टाइल एंटर प्रेस कर दिया, तो आपकी टेक्स्ट स्टाइल यहां पर बन के आ गई, ठीक है, सेव कर लो। नहीं हाँ बोलो, नहीं अगर इसमें से अगर फ्लैक्स बन हटा दो तो फिर किस, पूरी इसमें से बैकग्राउंड में मैं से। पहले ये सोच रहा था इन्हें हटा करके देखता हूँ, मैं ये सोच रहा था इसे हटा करके देखूं। देखो अगर आप फ्लेक्स वन भी ले लोगे ना, तो भी काम जी आपका हाँ चल जाएगा, अच्छा विड्थ अच्छा हाइट की वो जगह। पूरी जगह गिरता है हाँ फिर वो तो, पूरी राइट जगह भी लेता है, बड़ा वो जगह। पूरी जगह ले लेता है आपके मोबाइल व्यू की, तो वो यहाँ पर आपका तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आती है बात नेटवर्क इमेजेस की, कि हमें नेटवर्क इमेजेस कैसे इंसर्ट कराते हैं अपने रिएक्ट नेटिव में। तो नेटवर्क इमेजेस इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, नेटवर्क इमेजेस क्या होती हैं, जो कि ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, बर याद रखना कि जो नेटवर्क इमेजेस होती हैं वो जब तक नेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो आपके एप्लीकेशन में शो नहीं होगी, जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तभी आपकी एप्लीकेशन शो होगी। तो ये देख करके यूज किया जाता है कि नेटवर्क इमेजेस यूज करनी है कि नहीं करनी है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इमेज ले लिया, आप नेटवर्क इमेजेस को बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हो, पर पहले मैं इमेज इमेज कंपोनेंट में यूज करके दिखाता हूं। और यहां पर देते हैं सोर्स इज इक्वल्स टू
अब पहले हम क्या करते थे, हम दे रहे थे रिक्वायर फंक्शन, हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इमेज नेटवर्क इमेज कोई भी करनी है, देन आपको सोर्स ना दे करके यू आर आई नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, उसको देना पड़ेगा। ठीक अब आपको वो इमेज चाहिए, नेटवर्क इमेज, तो गूगल पे जाओ, गूगल पे लॉरेम पिक्सम सर्च करना, ठीक ठीक है। लॉरेम पिक्सम लॉरेम पे क्लिक करो, पिक्सम तो क्या होगा कि आपके पास काफी सारी इमेजेस के ये आ जाएगी, ये इस तरीके से ये आपका एक इमेज इंसर्ट कर देगा, अगर आपने ये कॉपी करके उधर यूआरआई में पेस्ट कर दिया। अगर आपको अलग अलग इमेज चाहिए तो आप इसे कॉपी कर लो, और यहाँ पे ये 200 और 300 है ना, ये विड्थ और हाइट दे रखी है उन्होंने, ठीक ठीक है ना। कॉपी कर लिया मैंने इसे, और इसे कॉपी करने के बाद मैं अपने ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ और यूआरआई में जाकर के मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक ठीक है ना। मैं इसे रैप कर देता हूँ काफी सारी इमेजेस में, मैं इसे रैप कर देता हूँ यहाँ पर। पहले हम एक काम और करते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसे पहले, उसके बाद ये जो इमेज है ना, इमेज कंपोनेंट, इसे इंपोर्ट करा लेते हैं। अभी मैंने एक करी है, मैं और भी सारी कर सकता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद एक दो तीन, तीन इमेजेस अगर मुझे इंसर्ट करानी है, और वो भी अलग अलग तरीके से। अभी मैं इसे सेव करूंगा ना, इसे और सेव करके यहाँ पे जी दिखाऊंगा, अभी ये फैच करेगा। इसकी हाइट और विड्थ भी दे रखी है, 237, फोटो आईडी सब कुछ दे रखा है। कांट फाइंड वेरिएबल टेक्स्ट, टेक्स्ट तो हमने यूज ही नहीं किया है, शायद से बंडलिंग में कोई दिक्कत हो गई हो। सोर्स यूआरआई, अभी क्यों नहीं दिख रहा, इसको देख करके देखते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, हेलो रिएक्ट नेटिव, सेव कर लेते हैं यहाँ पर। दिख रहा है क्या रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव दिख रहा है आपका, तो इमेज क्यों नहीं दिख रही। मैं कुछ कोर्सेज स्टाइल वगैरह भी देने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमने ये ले रखी है, यूआरआई दे रखी है, URI नहीं, URL तो नहीं, यूआरआई URID होता है, नहीं। यूआरआई ही होता है, URL नहीं होता। इसे दोबारा से रिफ्रेश करो, या तो हो सकता है कि मैंने चार इमेजेस करा दिए ना एक साथ, हो सकता है इस वजह से कोई दिक्कत आ रही हो। इसे तीन कोई कराते हैं अभी पहले, अभी भी नहीं आ रही। स्टाइल स्टाइल सब दी हुई है मैंने, स्टाइल और दे करके देखते हैं, चलो कोई नहीं, स्टाइल दे करके देख लेते हैं। विड्थ कोलन विड्थ, हाइट कोलन हाइट, सेव करते हैं। यहाँ पर इमेज अब तो आ रही है, कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं, अभी अगर इस तरीके से नहीं आ रही है, 200 इधर दे देते हैं, 300 इधर दे देते हैं, सेव करते हैं। ये 200 बाई 300 की आ गई, इसे हटा दो फिर। लगाना पड़ेगा, काउंटर वाले को भी हटा सकते हैं, कॉन्स्टेंट जो आपने लिखा है विंडो करके। हाँ उसे हटा सकते हो। अब जैसे देखो मैंने एक ये यूज कर लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर जाकर के पेस्ट, वैसे तो इसे इस तरीके से कर लो, स्टाइल इसको कॉपी कर लो, या फिर इसी पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और इसे कॉपी करने के बाद अब इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव करते हैं। तो हमारे पास ये चार इमेज आ गई, लेकिन तुमने देखा कि जो बाकी की दो इमेज थी वो नीचे चली गई, अभी उसका भी जी सॉल्यूशन सर, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि हमारी एक ही तरीके की इमेज इंसर्ट होकर के आ रही है,
ऐसा इसलिए है जी क्योंकि जितनी भी इमेजेस है ना वो यहाँ पर अपनी आईडी से देखी जाती हैं। तो अगर तुमने यहाँ पर दे दिया 220 सेव किया, तो 220 वाली इमेज आ जाएगी आपके पास, ये रही, ठीक है ना। हंड्रेड नहीं, हंड्रेड उधर दे दिया। उसी से आ रही है ना, लॉरम पिक्सल से उधर जो 200। हाँ ठीक ये URI तो मैंने वही दी है ना, हंड्रेड हंड्रेड दे देता हूँ अभी मैं, ठीक है ना। इसे भी 100 100 100 एंड 100 सेव किया। ये यहाँ पर, अरे इसे 100 100 देने से फायदा नहीं होगा, इसे देना पड़ेगा 100 100। इट्स ऑल राइट। हाँ इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट करते चले जाते हैं। पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, सेव किया। ये हमारे पास, तुम्हें देख रहा होगा कि एक 220 वाली आ रही है, अब एक आप ले लो 250, एक आप ले लो 300, तो आपकी अलग अलग तरीके की इमेज आ जाएंगी, दिख गई यहाँ पे आईडी को लास्ट में चेंज जो करके। आपने क्या हंड्रेड लास्ट में हंड्रेड हैंडल लास्ट में जो हंड्रेड हैंडल लगा 237 के बगल में, हाँ ये क्या है? ये हाइट और विड्थ है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम वेब में यूज करते हैं ना इस फोटो को, तो हमें हाइट और विड्थ देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये नेटिव हाइट और विड्थ मांग रहा है डिवाइस की, इस वजह से वो रेंडर नहीं हो रही थी। तो ये हो गई आपके पास। अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि अभी तक हमारी जो हाइट और विड्थ थी एलिमेंट की, वो क्या कर रही थी, बाहर जा रही थी, ठीक जी है ना। तो क्या होता है, एक और होती है वैसे तो इमेज, URI डेटा इमेजेस, पर वो ज्यादा यूज नहीं होती है, उसका बहुत बड़ा कोड हो जाता है। जनरली जो इमेज यूज होगी वो या तो ये इस तरीके से यूज होगी, या फिर आपका रिक्वायर फंक्शन के साथ यूज होगी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जैसे कि वो बाहर जा रहा था, अभी हम इसे फोर्थ वाली इमेज तो आधी कट के आ रही है। कट के नहीं आ रही, वो ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड है। अच्छा, जैसे अभी तक मैंने ये दे दिया और अभी मैंने सेव किया, तो ये इस तरीके से आ रही है, और जो बाकी की इमेजेस थी वो नीचे चली गई, ये सब ठीक है ना। तो इन चीजों को अगर सही करना है, तो आप यहां पर दो, ये डायमेंशन हटा देते हैं, अब हमें इसकी यूज नहीं है, और ये इमेज बैकग्राउंड हटा देते हैं, इसका भी यूज नहीं है। देखो अगर आपको इमेज बैकग्राउंड के साथ ये यूज करना, तो आप इसी तरीके से उसमें भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर दे दिया मैंने, एक नया कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव में, जिसकी मदद से ये जो इमेजेस बाहर जा रही हैं ऐसे स्क्रीन पे, उसको हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं स्क्रॉल व्यू, ठीक है ना। अब ये स्क्रॉल व्यू आया ना, तो ये व्यू की तरह होता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल व्यू कंपोनेंट होता है उसे हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, बट इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो एक काम करो, ये जितना भी आपने कंपोनेंट लिया इसे कट करो और इसे डाल दो स्क्रॉल व्यू में, इससे इमेज बाहर नहीं जाएगी। बाहर चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बाहर अच्छा चली जाएगी इमेज, तो बाहर जाएगी, पर ये क्या है, ये स्क्रॉल हो जाएगा, समझ में आई बात। ठीक। आप यहाँ पर इमेजेस की विड्थ हाइट को भी चेंज कर सकते हो और कितनी भी इमेज डाल सकते हो, अब ये स्क्रॉल होने लग जाएंगी इमेजेस, समझ में आया। ये तो इमेज बैकग्राउंड के अंदर नहीं है ना? इमेज बैकग्राउंड के अंदर नहीं है, अच्छा, इसका बैकग्राउंड के अंदर भी डाल सकते हैं इस चीज इमेज को। ठीक बैकग्राउंड के अंदर आप इसी तरीके से डाल सकते हो जैसे मैंने डाला है, क्लियर। अब ऊपर ही जैसे बस खाली इमेज बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा और लास्ट में इसको कॉपी कट करके वहां पे पेस्ट मारना पड़ेगा। ठीक। अब जैसे मैं क्या करता हूं, मैं ये जो स्क्रॉल व्यू, इसको कुछ स्टाइल दे देता हूं, स्टाइल इसको मैंने दे दिया फ्लेक्स 1, और ये जो विड्थ थी हमने ये दे दी 100%, हंड्रेड परसेंट, और हाइट भी आप दे दो 100%, और इसे कॉपी कर लेते हैं अंदर वाले कंटेंट को, बिड़ता है 58% में देते हैं, वो सेम ही रहता है जैसे अगर परसेंट ना हाँ लगाए तो हंड्रेड परसेंटेज में भी हंड्रेड दे है। सकते हो, लेकिन आप एक काम करना, परसेंटेजेस में ना दे करके पेरेंट कंटेनर को आप डिवाइस डायमेंशन 100 उसमें देना, अरे ये 100% हो गई, हाइट को परसेंट में मत दे दो, नहीं तो ये पूरी की पूरी पूरी आ जाएगी यहाँ से ना नीचे तक। तो
इसे थोड़ा सा कम दे देते हैं, इसे दे देते हैं 300, ठीक है ना, इसे हाइट को कम दे देते हैं, हाइट स्टैटिक दे देते हैं 300। सेव किया, आपके पास ये इमेज आ गई। अब आप इसे स्क्रॉल फ्लेक्स वन दे दिया है मैंने, और ये यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं वो तुम्हारे पास स्क्रॉल होकर के आ रही है। आप इसकी आईडी चेंज करके इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो, 250 दे दिया मैंने और 280 दे दिया, सेव किया, तो आपके पास अलग अलग इमेजेस आ जाएगी, ठीक है, स्क्रॉल होकर। हाँ अब क्या है कि स्क्रॉल व्यू में एक चीज़ और होती है, आप इसे अभी तो ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, आप इसे वर्टिकली मूव कराना चाहते हो, ठीक है ना, वर्टिकली। जैसे कि मैंने, तुमने देखा होगा काफी जगह पे देखा होगा कि जहां पर है ना इमेजेस को हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, वो सॉरी, अभी तो ये वर्टिकली मूव करा रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टली मूव कराना है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल नाम से प्रॉप्स होती है और उसे दे दो ट्रू, ठीक है ना। अभी ये फ्लैक्स हटा दो, क्यों नहीं आ रहा ये, ऊपर हॉरिजेंटली तो नहीं लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करने में। नहीं ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली लिख के, विड्थ 200 यही लिख करके देखते हैं अभी। सेव किया, ये आ गया, तुम्हें दिख रहा होगा कि आपके पास हॉरिजॉन्टली एलिमेंट स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, ठीक समझ में। अब इसे आप स्टाइल दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस वगैरह जो भी देना चाहते हो, गैपिंग देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। यहाँ पर इतना गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट कंपोनेंट, अगर इस टेक्स्ट कंपोनेंट को मैं हटा दूं तो बाकी सारी इमेजेस शुरू से स्टार्ट हो जाएगी, इन दोनों के बीच में गैप क्यों नहीं आ रहा? देखो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इमेजेस एक के साथ एक लगी हुई है। अगर आप मार्जिन दे जैसे दोगे, मार्जिन दे दोगे तो गैप आने लग जाएगा, अच्छा ठीक है। ठीक अब ये तो तुम्हारी स्क्रॉल व्यू की बात हो गई कि स्क्रॉल व्यू ऐसे होता है। इसके अलावा जो आपके पास मेरा टॉपिक जो था, हमने इमेजेस इंसर्ट करा ली, हमने नेटवर्क इमेजेस देख ली, ठीक है ना। अब ग्रेडियंट्स कैसे लगाते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में, हम वो देखते हैं। तो ग्रेडियंट के बारे में मैं पहले बता दूं कि ग्रेडियंट एक तरीके से दो कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। और रिएक्ट नेटिव, जैसे कि आप मोबाइलिंग रिएक्ट नेटिव के थ्रू यूज कर रहे हो तो आप लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसे कैसे यूज करना है उसे के लिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको अपनी ये जो ऐप है इसे क्लोज करना पड़ेगा, ये पैकेजर को स्टॉप करना पड़ेगा, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये लिखा ना एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट, इसको कमांड को कॉपी करो, ठीक है। आपके पास दो दो लाइब्रेरीज हैं, या तो एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट कर लो या रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट कर लो, बात वही है, वो ग्रेडियंट ही देगी आपको, ठीक है ना। जैसे कि इंस्टाग्राम का लोगो देखा ना, उसमें ग्रेडियंट आता है, दो कलर का मिक्सचर आता है, पिंक और ऑरेंज कलर का, नहीं, ठीक मैं है। ये कह रहा था, जैसे मैं ये सोच रहा था कि एक्सपो के थ्रू कर रहे हैं तो हम एक्सपो लिनियर ग्रेडिएंट करें, ये और अगर डिपेंड, उसके थ्रू। देखो एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने जो ऊपर मेंशन कर रखी है वहां पर क्या सारी एपीआईज वगैरह है, अभी मैं दिखा दूंगा कि एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अभी मैं इसे इंस्टॉल करने पर लगा देता हूँ जब तक, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, लीनियर ग्रेडियंट हमारी आरएन ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा, ये जो पैकेज है। अब मैं गूगल क्रोम पे तो मैं दिखा देता हूँ, हम देखते हैं एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक कर दिया, यहां पे पहुंच गए। अब ये तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है एक्सपो की, तो एपीआई रेफरेंस में जाना, इसमें एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपके पास अलग अलग तरीके के पैकेजेस जो एक्सपो सपोर्ट करता है, जो बेयर रिएक्ट नेटिव सपोर्ट करती है, वो सब आ जाएगा। जैसे कि इसमें से था एक ग्रेडियंट था, तो ग्रेडियंट होगा यहीं कहीं पे, लीनियर ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट नहीं, खाली ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट लिखा होगा उस पर, सर्च कर दूं।
देख रहा हूँ अभी मैं, वैसे देख रहा हूँ अगर मिल जाए तो। नहीं है। लीनियर ग्रेडियंट, इस पे क्लिक कर दिया, ये लीनियर ग्रेडियंट आ गया। अच्छा लीनियर ग्रेडियंट ही है, तो लीनियर ग्रेडियंट है आपका इस तरीके से। अब यहां पर क्या दे रहा है कि इफ यू आर इंस्टॉलिंग दिस इन अ बेयर रिएक्ट नेटिव। बेयर रिएक्ट नेटिव कौन सी होती है, मैंने तुम्हें बताया था, बेयर रिएक्ट नेटिव ऐप वो होती है जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस का फोल्डर बनता है। तो हमारे में एंड्रॉयड और आईओएस का फोल्डर है ना। जी सर। और एक होती है मैनेज, जो कि एक्सपो सीएलआई यानी कि एक्सपो गो ऐप के थ्रू वर्क करती है। तो लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। अभी पहले देख लेते हैं कि वो पैकेज इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब हम इसे है ना रन करा लेते हैं। यार ने एंड्रॉयड दे देता हूं मैं। इम्यूलेटर लॉन्च कर रहा है, इम्यूलेटर हमें लॉन्च नहीं कराना है। इसे क्लोज कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा। जी रिएक्ट नेटिव में बस एक यही प्रॉब्लम है कि इसको एग्जीक्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसका टाइम बंडलिंग वगैरह में लगता है। हाँ ये तो है, इसी में ज्यादा दिक्कत आती है ज्यादा तो। इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, पहले इसमें बहुत एरर वगैरह आती थी। जब तक ये बंडलिंग हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जी तो यहाँ पर मेरी है ना अब ये जो वो मेरा वो था पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और मेरी ऐप मोबाइल में रन करने लग गई है। अब मैं क्या करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट को अगर मुझे अपने इमेज में लगाना है, देन मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट जेएस में जाऊँगा और इसमें जाकर के सबसे पहले उस पैकेज को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एम डी जी और यहां पर देंगे एक्सपो एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है। और यहां पर हमें एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट में से एक कंपोनेंट है लीनियर ग्रेडियंट, उसे इंपोर्ट करना है। यहां पर हम क्या करते हैं, अभी इसे डिलीट मार देते हैं और इसे व्यू देते हैं, और व्यू में दे देते हैं हम इसे फ्लेक्स और स्टाइल देते हैं स्टाइल। फ्लेक्स 1 क्लियर। ठीक इसके बाद अब हम लीनियर ग्रेडियंट जो हमारा कंपोनेंट है उसका यूज करेंगे। मैं देता हूं लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट में तुम्हारे पास एक कलर नाम से प्रॉप होती है जिसमें आप एरे ऑफ कलर पास करते हो। ठीक है। तो मैं यहां पर देता हूं कलर, और इसमें मैंने क्या कहा, एरे ऑफ कलर्स पास होता है इक्वल टू एरे ऑफ कलर्स। तो मैंने दे दिया एक रेड और एक दे दिया ब्लू, ग्रीन ब्लू ब्लू दे देते हैं। सेव किया, रीलोड करना पड़ेगा। कहाँ गया, ये रहा, कांट फाइंड वेरिएबल व्यू। ओ व्यू हमने इंपोर्ट नहीं कराया, इसे हटा करके व्यू दे देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। व्यू मैनेजर वॉज नॉट फाउंड इन स्टाइल शीट, हमने दे दिया लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। अभी कहीं की दिक्कत आ रही है, यहां पर देखें
ओके, तो मुझे लगता है कि लीनियर ग्रेडियंट मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना? मेरे को लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से देना पड़ेगा कुछ, मुझे लग रहा है। इसकी भी कुछ स्टाइल करके देखते हैं फिर, अगर ये ऐसे नहीं लग रहा तो। बार बार एक ही एरर क्यों दे रहा है? का नेटिव कंपोनेंट्स में इसको रख के मेरे देखते हैं, पहले एक काम करता हूँ मैं, इसको रख के देखता हूँ, अगर एरर आ रही होगी पैकेज में ही एरर आ रही होगी तो इसमें भी एरर आ जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, फाइल सेव ऑल और रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स वेरिएबल नाम से नहीं आया है। स्टाइल्स, अच्छा ये जो है इसने कंटेनर वगैरह दे रखा है, इसको देखते हैं, इसने कंटेनर दिया है। इनको हटा देते हैं और इसको भी यहां से हटा देते हैं, क्योंकि इस तरीके कोई स्टाइल इसने पास ही नहीं करी हुई है, तो इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ, अदरवाइज एरर आ जाएगी। सेव करते हैं, अभी भी आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने में देखूं चला के। अरे एक ही में, एक ही जैसे तो चलेगा, सबके में अलग अलग थोड़ी ना चलेगा। ये स्टाइल सी सारी चीजें मैंने करा रखी हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैं एक काम करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट यहाँ से ये मैंने लगा रखा है, इसे मैं हटा देता हूँ, इस वाले लीनियर ग्रेडियंट को, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप फंक्शन वगैरह सब लगा रखा है, सेव कर लेते हैं इसे। अभी भी दे रहा है, देखें तो सही इसने बेयर रिएक्ट नेटिव के लिए क्या कही है। बेयर वर्कफ्लोस के लिए ये एडिशनल सेटिंग्स अप्लाई करने को कही है इसने। एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट, मैंने कमांड भी रन कराई है सही। एक काम करते हैं, समझ में आ गया मेरे को कि क्यों दिक्कत दे रहा है। ऐप को जाना, ऐप को अनइंस्टॉल मारना, ठीक है? ठीक अगर ऐसे डिपेंडेंसी में एरर आ रही थी, बिकॉज क्या है, मेरे को लग रहा है कि डिपेंडेंसी बंडल नहीं हो पाई अभी तक, जो एप्लीकेशन है ना उसी में बंडल नहीं हो पाई, तो मैं यार्न एंड्रॉइड रन कराता हूँ अगेन, ठीक है? अभी ये एंड्रॉइड रन हो जाए, जब बंडलिंग हो जाएगी तो मैं दोबारा से वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी अब ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, लेकिन अभी इस तरीके से एम्प्टी आ रहा है, मैं इसे नीचे ही कर देता हूँ। और यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। अभी हम दे देते हैं स्टाइल, वो बंडलिंग ही नहीं हुई थी इस वजह से दिक्कत आ रही थी, फ्लेक्स दे दिया मैंने, वन सेव करते हैं, RGBA, और ये आ रहा है इस तरीके से।
मैं रेड और ब्लू दे देता हूँ, रेड एंड ब्लू, और इसके बाद इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइल विड्थ 100% एंड हाइट 100%। इंस्टेड इसके तुम फ्लेक्स भी दे सकते हो, देखो ये आ गया ग्रेडियंट, इसकी जगह आप फ्लेक्स वन भी दे सकते हो, तो उससे भी काम आपका हो जाएगा, फ्लेक्स वन तो स्टिल वही रहेगा। आप यहाँ पर दो अलग अलग कलर भी डाल सकते हो, येलो डाल दिया मैंने, सेव किया तो यहाँ पे येलो आ गया। तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हो। अब इसमें एक चीज और होती है, कलर स्टॉप्स, ठीक है ना? तो जो कलर स्टॉप होता है ना, वो अलग अलग एंगल से आपको, मतलब कलर स्टॉप तो खैर ये होते हैं जो आपके अलग अलग एंगल से आप चाहते हो कि यहाँ से ग्रेडियंट आए, यहाँ से ग्रेडियंट आए, स्टार्ट होना स्टार्ट हो, तो उस तरीके से भी आप दे सकते हो। उसके लिए आपके पास एक नई प्रॉप होती है स्टार्ट नाम से, और जो स्टार्ट होती है वो भी आपका एरे दो तरीके का एक्सेप्ट करती है, मतलब आपकी जो इसमें वैल्यू होगी दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये, आप 3 देना चाहो, 2 देना चाहो, जितनी भी दे सकते, मतलब दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगी। जैसे कि मैंने दिया से 0.6 कॉमा 0.6, अभी तो यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, कुछ कोई नहीं आ रहा। वैसे डायगनली वगैरह दिखाने के लिए होता है ये स्टार्ट नाम से जो होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज करके देखते हैं, 0.1 करके देखते हैं, अभी भी वही आ रहा है। क्या दिक्कत आ गई? स्ट्रिंग में देना है कि एक काम करते हैं, इसे नंबर में दे करके देखते हैं। हाँ, वन पहला वाला 6, ओके, पूरा फुल्ली 1 दे देते हैं, पॉइंट ओके, और यहाँ पे देते हैं 0.6। देखा डायगोनल चेंज हो रहा है ना हल्का हल्का कहीं से। येलो तो ये होता है एक तरीके से, आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो 0 से 1 तक की वैल्यू दे करके ग्रेडियंट को डायगनली और नॉन डायगनली बना सकते हो। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट देते हैं। सबसे पहले हमें एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट नाम से एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप अपना बंडलर रन कराओ, अगर कोई दिक्कत आती हो ऐप को अनइंस्टॉल मारो अपने इम्यूलेटर में से और अगेन रन कराओ बंडलर को। देन आपके पास क्या होगा, एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद ये जो एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर बताई है, एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन करके उसमें एपीआई में जाकर के आप यहाँ से कोड को देख सकते हो। अब क्या आता है आपके पास, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह शेडोज। शेडोज कैसे रखते हैं रिएक्ट नेटिव में, पहले तो मैं बता दूं कि जैसे ये मेरे पास व्यू है, ठीक है ना, व्यू है, और मैंने इसमें दे दिया हेलो, टेक्स्ट लेते हैं हेलो रिएक्ट नेटिव, ये दे दिया मैंने, सेव किया यहाँ पे, और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हेलो रिएक्ट नेटिव आ गया आपके पास। और मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था शेडो कैसे जनरेट करते हैं। हेलो तो इसकी हम कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ विड्थ 200 कॉमा हाइट वो भी 300। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वेशन, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं 10, सॉरी 10 नहीं रेड दे देते हैं। हाँ अभी ये तुम्हें दिख रहा होगा कि पीछे तुम्हें दिख रहा है कि हल्की हल्की बैकग्राउंड का वो आ रही है शेडो, अभी नहीं दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा इसे डार्क करता हूँ, दिख रहा है अब? हम्म, है? तो
अब तुम तुम वाई देखना कर एलिवेशन डाल करके देखना, तुम्हें एक पीछे डार्क शेडो दिख जाएगी। फाइव करके देखते हैं। वैसे एक काम करना, ये तुम्हें अभी नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये ना कहते हैं वीडियो में ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन अगर एलिवेशन प्रॉपर्टी दोगे और ठीक से देखना गौर से, तो मैं यहाँ पर किसी, ये एलिवेशन जो प्रॉपर्टी है बॉक्स्ड एंटिटीज के लिए दी जाती है, इमेजेस के लिए या फिर इस तरीके के व्यू के लिए, और इसी की मदद से आपके जो बैकग्राउंड है एंटिटी का बैकग्राउंड, उसमें आपके पास एक शेडो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमारा ये जो शेप्स का टॉपिक है ये मैं बाद में बताऊंगा, और अगर आप जाकर के चाहो तो रिएक्ट नेटिव शेडोज को यहाँ से सर्च कर सकते हो। आपके पास ये एक शेडो जनरेटर आ जाएगा एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, तो ये प्रॉपर्टी रख करके भी आप कर सकते हो। जैसे एलिवेशन दे रहा है ना, यहाँ पे 5 दे दी इसने एलिवेशन। ठीक है, डेप्थ कितनी चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्क कर रहा ठीक है है। सर, ठीक। ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव शेडो जनरेटर ये नाम से है वेबसाइट, इस पे जाकर के आप शेडो को जनरेट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये शेप्स के बारे में तो अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन पहले मैं वेक्टर आइकन्स के बारे में बता दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने एप्लीकेशन में आइकन्स कैसे रखते हैं। जो ये शेडो जो लगाई है, जो कैसे लगाई है, हेलो, शेडो जो लगाई है, किस तरह से लगाई है, ये वाली, कहाँ पर ये वाली जो उधर उसमें ये, दिखाई अरे नहीं दे रही मेरे को। हाँ ये जो इसने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, शेडो कलर, शेडो ऑफसेट, शेडो ऑपेसिटी, रेडियस वगैरह, ये सब कॉपी करके पेस्ट कर देना, आ जाएगी। अब हम वेक्टर आइकन्स को लगा करके देखते हैं कि वेक्टर आइकन्स को कैसे लगाते हैं और गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज करते हैं, मेरे मतलब। कह रहा है, जो आपने गेटअप गेटअप की जो लिंक इधर से हाँ जो आपने क्रोम पे सर्च करी है, हाँ इधर से ये पूरा पेज खुलेगा है। हाँ इधर से ही वो खोला है वो पूरा वो पेज। ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे क्या है कि अगर आपको वो लगानी है, मतलब गूगल फॉन्ट्स लगाने, पहले मैं गूगल फॉन्ट्स के बारे में बता दूं कि गूगल फॉन्ट्स अगर आपको यूज करने हैं तो उन्हें हम कस्टम फॉन्ट्स भी कह सकते हो, कस्टम फॉन्ट्स अपने खुद के लगाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल फॉन्ट की लिंक पे जाना पड़ेगा। वैसे अभी ये वेक्टर आइकन्स का टॉपिक था, लेकिन मैं सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स लगाना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, गूगल फॉन्ट्स, एंटर किया, यहाँ पर सर्च किया, गूगल फॉन्ट्स पे पहुंच गए। अब यहाँ पर फॉन्ट को सर्च करो जो भी तुम्हें चाहिए, वेबसाइट में लगता है वो MON ये वाला होता है मोस्टली हेडिंग के लिए। ये यहाँ पर आ गई है हमारे पास, तो मैं ये जो सेमी बोल्ड बोल्ड वाला ये ले लेते हैं, इसको क्लिक कर दो तो ये स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, ठीक है सर, ठीक है। ये हो गई, अब क्या करना है आपको डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, या तो यही करो या फिर एड मोर स्टाइल्स रिमूव ऑल, हाँ डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर देना माउस कीरेड पे। अब यहाँ पर डाउनलोड ऑल पे क्लिक करोगे आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपका ये जो ऐप डॉट जेएसपी से ओपन करो इस फोल्डर को, और इस फोल्डर में आप एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाओ, ठीक। इस नाम का एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। इसमें जाकर के ये जो मॉन्स्टर जिप थी इसे कॉपी कर देना है और इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये एक्सट्रैक्ट हो गई तुम्हारी। ठीक है ना, अब एसेट्स के अंदर जो आपको, मेरे को तो चाहिए थी कौन सी बोल्ड वाली चाहिए थी ना, सेमी बोल्ड, थिन, कहाँ गई बोल्ड, ये वाली चाहिए थी, तो मैं इसे ही कट कर लेता हूँ, मतलब इसे छोड़ करके बाकी सबको डिलीट मार देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे एक रेगुलर और रख लेते हैं, इसको छोड़ करके बाकी सबको डिलीट मार देता हूँ क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसे उठा करके फॉन्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, फॉन्ट्स, और उसमें जाकर के इनको पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इनको रीनेम कर देता हूँ मैं, बोल्ड देता हूँ एक को, दोनों ही रीनेम हो गई, रीनेम करके बोल्ड दिया और एक को दिया रेगुलर। रेगुलर ठीक है। अब अगर हमें इसे लगाना, मतलब ये तो डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो गया, अब तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो अपनी एप्लीकेशन में जाओ और उस एप्लीकेशन में जाकर के अब आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस। ये फाइल आप यहीं पर रूट में ही बना सकते हो, और इसमें है तो नहीं, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ रिएक्ट नेटिव और कन्फिग, सॉरी डॉट कन्फिग डॉट जेएस, ये फाइल बन गई। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में जा करके आपको एसेट्स नाम से एक वो बनाना है, और इसमें एरे देना है, और एरे देने के बाद आपको अपना वही फोल्डर दे देना जो कि आप यूज कर रहे हो। इसमें आया नहीं, मैं इंडेक्स डॉट जेएस में हूं, और इंडेक्स रिएक्ट नेटिव कॉन्फिग डॉट जेएस यहाँ पे बनी हुई है। कोई नहीं, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं हमारा एसेट्स नाम से, ASSETS एसेट्स, और एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स नाम से जो फोल्डर है उसे लिंक करा दो, बस। समझ में आई? ये वाला समझ में नहीं आ रहा है क्या? मॉड, ये वाला अरे जो ये फाइल वैसे नोड का एक कोड है। नोड में क्या होता है कि जब भी हमें किसी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना होता है ना, तो हम इस तरीके से लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ, फाइल का नाम भी आपने दिया रिएक्ट हाइफन नेटिव डॉट कॉन्फिग हाँ, तो करके। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से पता चलेगा मैं बता देता हूँ। वैसे ये नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट से पता चलता है। अब ये रिएक्ट नेटिव का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ा हुआ ये नहीं पता। चलो अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है? हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अप्लाई कर लो, आपका गूगल फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। देखो रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है ना, अगर आपको कोई मॉड्यूल एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करना होता होता है, देन आप इस तरीके की फाइल बनाते हो। अब मैंने ये फॉन्ट्स नाम से फोल्डर बना दिया, ठीक है ना, फॉन्ट्स के अंदर जितने भी वो फॉन्ट होगा ले लेगा। इसके अलावा आप क्या करना है, सेव कर लेना है इसे, ठीक है? अब यहां पर क्या करना है, आपको इस फॉन्ट को अभी एंड्रॉइड के साथ लिंक कराना है, मतलब जो आपने फोल्डर यहां पर इंसर्ट किया, ये दो दोनों चीजें इंसर्ट करी है, ये आपको किसके साथ, एंड्रॉइड के साथ लिंक कराना है, ठीक है? तो उसे ठीक लिंक करा, उसे लिंक कराने के लिए हम सिंपल सिंपल सबसे पहले पैकेजर को क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पर क्लोज किया, और यहाँ पर क्लोज करने के बाद ऐप जो है उसे अनइंस्टॉल मार देना एक बार, ठीक है? मेरी मैंने ऐप अनइंस्टॉल मार दी अपने मोबाइल में से, तुम जा करके देख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर थी मेरी एप्लीकेशन, मैंने अनइंस्टॉल मार दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिंक कराने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, npx रिएक्ट नेटिव लिंक, ठीक है? लिंक इस पर एंटर प्रेस कर देना, एसेट्स हैव सक्सेसफुली लिंक्ड अप टू योर प्रोजेक्ट। अब ये जो एसेट्स हैं वो लिंक हो गई है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिंक हुई है कि नहीं हुई है? तो आपको जाना अपने एंड्रॉयड के फोल्डर में, और एंड्रॉयड के बाद ऐप फोल्डर में जाना, ऐप के बाद SRC फोल्डर में जाना, SRC के बाद आपको अपने मेन फोल्डर में, और मेन में एसेट्स नाम से होगा, और यहाँ पर देख रहे हो दोनों आ चुकी हैं, बोल्ड और रेगुलर, ठीक है? अब क्या करना है मुझे, जब मैंने ये लिंक करा दी, तो लिंक कराने के बाद मैं इसे रन करा दूंगा हेलो। प्रोजेक्ट को। रन कराने के लिए मैं दे दूंगा यार्न एंड्रॉयड ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी रन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, जब आपने ये NPX करके ये रिएक्ट नेटिव लिंक लगाई लगाई है, तो ये हाँ दोनों फोल्डर उसी में लिंक हो गए ना।
हाँ बोल्ड लिंक हो वाली गए, जो बनाए थे अपना। लिंक हो गए दोनों फाइल, लिंक हो गई हैं उसमें एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। अच्छा अभी क्यों दे रहा है ये, बिल्ड सक्सेसफुल हो रही है यार ने एंड्रॉयड। अच्छा ये अभी रन नहीं किया, इसे क्लोज करो। गूगल फॉन्ट्स अप्लाई हो जाए और ये भी अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप अपने पसंदीदा फॉन्ट्स को लगा सकते हो। अगर जब हम गूगल फॉन्ट्स लगाएंगे तब हमें अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एसेट्स नाम से। हाँ फाइल नहीं फोल्डर। हाँ फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर ही अब हमारी बंडलिंग हो चुकी है। अब जैसे मेरे को अपने फॉन्ट को यूज़ करना है, ठीक है ना, जी हाँ तो ठीक उसको यूज़ करने के लिए अब हमें कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जितना भी आप कोड ठीक लिखोगे अब उसमें क्या है कि उसी फाइल का ही नाम यूज़ होगा जो कि आपने लिखी है, ठीक ठीक है। कैसे यूज़ होगा वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करो, आप अपना अब एक कंपोनेंट बनाओ आर एन सी या फिर आर एन एफ सी ले लो, आर एन एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट, और इसे दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल में हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 30। अब मेरे को जो फॉन्ट लगाना है उसके लिए, जो अभी मैंने डाउनलोड किया है स्टाइलिंग के लिए, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी लगती है जिसका नाम होता है फॉन्ट फैमिली, ठीक कोलन लगाया। अब आपने जो बोल्ड नाम से दिया ना फाइल का नाम, तो जो ठीक बोल्ड वो लगा देना, सेव कर देना। यहाँ पे चेक करते हैं हम, और ये देखो तुम्हारे पास बोल्ड फॉन्ट आ गया उसी तरीके का। और नॉर्मल अगर टेक्स्ट दिखाऊं ना मैं, हेलो रिएक्ट नेटिव, सेव किया, तो देखो नॉर्मल जो टेक्स्ट आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। सर, वैसे भी तो काम करता था। जैसे हम स्टाइल में वैसे फॉन्ट साइज दे देते दे थे, उसके बाद कलर दे देते दे, ऐसे फॉन्ट फैमिली में बोल्ड हमें फिर ये स्टेप करने की क्या जरूरत थी कि जैसे कि अरे ये बोल्ड, वाला अरे ये बोल्ड का मतलब वो वाला बोल्ड नहीं है, ऐसे बोल्ड इटैलिक होते हैं वो वाला। ये वो वाला बोल्ड नहीं है, ये यहां से डाउनलोड किया नहीं था फॉन्ट, इस तरीके फॉन्ट तो मैं अप्लाई कर लेते थे। ये बताओ ये जो फॉन्ट हैं इस तरीके के, ये अप्लाई कर लेते थे? अरे हमने रिएक्ट नेटिव टाइपोग्राफी भी तो डाउनलोड किया था, वो भी किसके लिए किया था? अभी वो किया था अपने जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है टाइपोग्राफी थी उसे इम्प्रूव करने के लिए, ठीक ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने अभी ये जो फॉन्ट के लिए गूगल फॉन्ट्स को यूज किया है वो किस लिए किया है? ताकि हम अट्रैक्टिव फॉन्ट्स का यूज कर सके। जो नॉर्मल फॉन्ट आते हैं ना वो इस तरीके के आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, अपियरेंस उनकी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अब इसकी अपीयरेंस और इसकी अपीयरेंस में अंतर देख लो, ठीक है। अब इसको कॉपी करो और इसको यहां पर डालो। अब दूसरी वाली फाइल का बता देता हूँ, जैसे रेगुलर नाम से थी, रेगुलर, सेव किया तो ये रेगुलर आ गई। अब तुम्हें दिख रहा होगा इसकी स्टाइलिंग में कितना अंतर है। हेलो हाँ आ गई आ गई।
अब तुम्हें दिख रहा है कि इसकी अपियरेंस में कितना फर्क है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है और जी ये वाला जो टेक्स्ट है उसकी अपियरेंस में, सर। ठीक है। ये यहां पर मैं रेगुलर और बोल्ड वो नहीं दे रहा हूं जो तुम सोच रहे हो, ठीक। ठीक है। यहां पर मैंने गूगल फॉन्ट से अपना एक कस्टम फॉन्ट डाउनलोड किया और उसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, और जी ये कंपनी में होता ही होता है, ठीक है। तो ये गूगल फॉन्ट्स को लगाना था कि हम गूगल फॉन्ट्स को कैसे लगाते हैं। अब कल जो हमारा टॉपिक होगा, कल हमारा टॉपिक होगा कि हम वेक्टर आइकन्स को कैसे यूज करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हार्ड है, पर मैं बता दूंगा कि ये कैसे करते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक ठीक। है, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।